हेलो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि ग्रैंड i10 और एक्सेंट इनके डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे करते हैं। तो अब मैं ये एक्सेंट पे बताऊंगा। ये एक्सेंट है, ये पेट्रोल इंजन है और ये टॉप एंड है विद बटन स्टार्ट। इट हैज़ अ बटन स्टार्ट। और आपको अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट अभी आपको किधर यूट्यूब में नहीं मिलेगा तो ये फर्स्ट अभी होता है, तो मैं आपको बताता हूँ इनके स्टेप्स, ये आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझा तो मैं आपको की वाला एक्सेंट के बारे में बताऊंगा कैसे करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी फर्स्ट हमें अपना बटन क्लिक करना है एक टाइम, तो ऐसा गाड़ी बताएगा। फिर क्या करना है, उसके बाद बटन फिर से क्लिक नहीं करना है। उसके बाद में आपको ट्रिप ट्रिप का बटन दबाना है। दबाने के बाद आपको क्या करना है कि दबा के रखना ही चाहिए। फिर उसके बाद है ना पावर बटन दबाना है, फिर से ऑन ऑफ स्टार्ट इंजन स्टार्ट बटन दबा के रखना है। सॉरी दोस्तों, मैं फिर से बताता हूँ आपको। एक बार बटन दबाना है, फिर उसके बाद ट्रिप मीटर दबा के रखना है, उसके बाद बटन दबा के रखना है, फिर से बैटरी दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है। तो ये ऐसा बताएगा तो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होते रहेगा। आप चेंज भी कर सकते कौन सा भी मोड। और ये आपका एलईडी मतलब आपका डिस्प्ले चेक करेगा कि ये वर्क कर रहा है क्या नहीं। इसके बाद में आपके एलईडी लाइट्स जो इंडिकेट होते हैं इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पे, फिर ये सब आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे। ऐसा है ये टेस्ट। अभी आपको अगर बंद करना है तो आप डायरेक्टली बटन से बंद कर सकते हैं। और अगर आपको ये चाहिए ऐसा ऑन, तो आप बंद फिर बंद मतलब कार चालू कर सकते हैं वैसे पे। अगर नहीं चाहिए तो सिर्फ बटन से बंद कर देने का। ओके, अगर आपको नहीं समझा कि आपका एक्सेंट या ग्रैंड की कीलेस नहीं है एंट्री, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में भेजिए, मैं आपको आंसर दूंगा उसके बारे में कैसे करना है। मैं दूसरा वीडियो भी निकाल सकता हूँ इस पे। तो अभी इसको बंद करना है तो ऐसा बंद करना है कि क्लिक करो तो ये बच जाएगा। अभी मैं फिर से क्लिक करूँगा, फिर से अभी ये देखो चेंज हो गए। तो ऐसा करना है। ओके, तो ये आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन दीजिए और कमेंट किए। लाइक अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक किए और कमेंट में लिखे। ओके बाय, ओके बाय फ्रेंड्स, बाय।